रूपा जी, सोयाबीन में भी हमने यहाँ पे तेजी आते हुए देखी है। भारत में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन बीज फिर से महंगा बिकने लगा है, क्योंकि बुआई सीजन आ चुका है खरीफ का, तो सोयाबीन मुख्य फसल है खरीफ की। देख रहे हैं कि किसान महंगा बीज खरीद रहे हैं, और दूसरा इसकी वजह से सोयाबीन की जो दाम है उसमें भी कुछ बढ़ता है। विदेशों में भी देख रहे हैं कि सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो लगातार तेजी की ही हो रहे हैं। चाइना लगातार अपना भंडार भर रहा है, स्टॉक कर रहा है सोयाबीन का, और यूएस के एक्सपोर्ट सेल में सोयाबीन के डेटा में पता लगा है कि वहां भी तेजी बनी है। तो इन सबसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी सोयाबीन के दाम बढ़ने वाले हैं? देखिए, अभी हमने पिछले कुछ दिनों में सोयाबीन की कीमतों में इजाफा आते हुए जरूर देखा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, और वहां पर भी हमने देखा है कि जो सोयाबीन की कीमतें पहले लुढ़क कर 6000 तक आ चुकी थी, अब वापस से वहां पर सपोर्ट आया और 6800 तक जा चुकी है, क्योंकि काफी फार्मर्स ने एक बार फिर से इसको स्टॉक किया है, और उसके बाद जो है जो प्राइजेस है वो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अभी प्रोडक्शन जो है वो काफी गिरता हुआ दिखाई दिया है। अभी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत में प्रोडक्शन अच्छा रह सकता है, लेकिन अर्जेंटीना, चीन और ब्राजील में इसका उत्पादन काफी गिर चुका है, और इसके चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट मार्केट ले सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सोयाबीन जो है वो थोड़ा सा तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं मंडियों की बात करूं, तो मंडियों में फार्मर्स को अभी भी एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन जो है वो 10,000 रुपए तक बिक सकती है, जो 6800 से 7,000 रुपए के आसपास फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ऐसी अटकलने लगाई जा रही है कि 10,000 तक के जो है वो सोयाबीन ऊपर में जा सकती है, क्योंकि विदेशी बाजारों में जो तेजी देखने को मिल रही है उसके चलते भारतीय बाजारों में सोयाबीन के अंदर कुछ उछाल आ सकता है। ठीक है।